Myself Govind, as our examination are drawing near, so we will discuss only the question of textual of NCERT physics, textual question only. तो पहले क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन हमारा कि एक चार्ज रखा हुआ है 4×10⁻¹ कूलम, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये हम क्यों मान रहे हैं पॉजिटिव. इससे 9 सेंटीमीटर अवे एक पी पॉइंट है, जिसके ऊपर मतलब यहां पर हमें ये फाइंड आउट करना कि इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी यहां पर. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया हमसे. तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है. पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय में आर. तो के की वैल्यू हमें पता है 9×10⁻¹ इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 4×10⁻¹ और डिस्टेंस हमें दिया गया सेंटीमीटर के अंदर, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो ये 0.09, तो अगर इसको सोल्व करते हैं ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से 9 और इसकी दो जीरो ऊपर जाएंगी तो 100. तो यह है हमारे पास 4×10⁻², ये है और 9 ये है, मतलब 11 और 11 माइनस 7 तो 4 बची हमारे पास. तो 10⁻⁴ और इसकी यूनिट होती है वोल्ट. पोटेंशियल की वोल्ट यूनिट करते हैं, जैसे घर में 220 वोल्ट आती है तो वही यही चीज होती है वो पोटेंशियल. तो ये भी इसकी यूनिट है. तो ये था फर्स्ट पार्ट के अंदर. सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर हमसे ये कहा गया कि अगर एक चार्ज को हम इंफिनिटी से यहां पर ले आए तो वहां पर वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी उस चार्ज को यहां पर लेके आने के लिए. तो जो हमें चार्ज लेके आना है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2×10⁻¹⁹ तो उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वर्क डन निकालने के लिए. हमें जरूरत पड़ेगी तो चार्ज की जो हम लेके आए, ये मान लिया हमने लार्जर क्या, कोई मान सकते कुछ भी क्वांटिटी, लार्जर कितने का है लार्जर क्वांटिटी, तो ये है हम इसको क्यों डैश मान लेते हैं, क्यों डैश मान. तो ये वर्क डन निकालना, हमें वर्क डन के लिए हमें फाइंड आउट करना है एक तो क्यों डैश ये हमें दिया हुआ है और पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल होगा तो वो भी है, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले पार्ट के अंदर. और क्यू वन हमें दिया हुआ है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया, सिर्फ क्यू डैश हमारे पास है 2×10⁻¹⁹ इंटू वी हमें दिया हुआ 4×10⁻⁴, तो यह आएगा 4×8×10⁻⁵ और वर्क की यूनिट होती है जूल. तो ये था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का. सेकेंड पार्ट चार्ज की यूनिट ये कोलाम है, मैंने सेंटीमीटर बोल दी थी इसके लिए सॉरी. तो ये कोलाम है तो ये था फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट के अंदर यही ये एक चीज और पूछी गई है हमसे कि जो वर्क डन है, जो हमारा आंसर आया वर्क डन हमने निकाला था क्या क्यू डैश और वी, ये हमारे पास आया 8×10⁻¹⁵ जूल. ये हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला और ये कह रहा है कि ये पाथ डिपेंडेंट है कि नहीं. हमें पता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हम जो हम वर्क डन निकाल रहे हैं ये वर्डन आएगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं होता. कोई भी पाथ ट्रेवल करे जो वर्डन की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी ना कि पाथ पर. सिर्फ ये रेडियल डिस्टेंस है ना, जैसे ये हमने मान ली 15 सेंटीमीटर, ये किसी भी कैसे भी चल के आए हमें सिर्फ ये देखना है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है दो चार्जेज हैं और उनके बीच में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर. एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ 3×10⁻¹⁸ कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज, और एक दिया हुआ हमारे पास 2×10⁻¹⁸ कूलम, ये है नेगेटिव चार्ज, माइनस साइनस क्या है. ये दो चार्ज दिए हुए हैं और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दी हुई है हमें वो है 15 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा पॉइंट बताओ इन दोनों के बीच में या इनसे बाहर कहीं पर भी ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल जीरो आए. तो पोटेंशियल जीरो कहां आ सकता है, जहां पर मैग्नीट्यूड कम होता है, मतलब जो चार्ज की वैल्यू, जैसे ये वैल्यू हाइयर है और ये लेसर है, तो लेसर जो चार्ज है इसके साइड में शिफ्ट होगा, मतलब जो सेंटर ऑफ मास की वजह से निकालते हैं. तो जो नेगेटिव चार्ज है और जो लेसर क्वांटिटी का है इसके साइड में शिफ्ट होगा जहां पर पोटेंशियल जीरो आएगा. तो हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं, एक तो पॉइंट ले लिया हमने यहां पर और एक इससे बाहर ले लेते हैं,
ये पी डैश मान लिया हमने, ये पी मान लिया, तो दो पॉइंटों पर हमें पोटेंशियल चेक बताएंगे कि जीरो होगा और वो होगा जहां पर मैग्नीट्यूड कम है उसकी साइड में होगा हमेशा, क्योंकि हाइयर के साइड में तो नहीं आ सकते क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड करेंगे, इस साइड में कभी जीरो नहीं हो सकता कि हम क्वांटिटी ले ले ये 15 सेंटीमीटर से कम, मतलब ये अगर जीरो है, अगर एक्स हम लेस देन जीरो लेंगे तो यहां पर तो आ ही नहीं सकता, तो इसके पीछे क्या होगा, तो हमारी वैल्यू जो पोटेंशियल की जीरो आएगी तो यहां पर आएगी, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, कोई पॉइंट मान लिया हमने पी, इसकी डिस्टेंस ये एक्स मान लिया हमने, ये एक्स है तो इस चार्ज से कितनी बचेगी, ये बचेगी 15 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ हमारे पास 15 है, तो ये निकालते हैं हम यहां से के क्यू वाई में आर वन इसके लिख लेते हैं ये, और प्लस क्यू डैश, वो क्यू डैश मान लिया हमने, ये क्यू और ये क्यू डैश, तो क्यू डैश बाय में आर, ये हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर, हमें जीरो बताना जीरो कहां पर होगा, तो इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं इसको, ये क्वांटिटी तो खत्म हो जाएगी, तो ये बचेगा हमारे पास सिर्फ क्यू, कितना हमारे पास 3 × 10⁻⁸ कूलम बाय में आर वन, आर वन हमें एक्स मानी है और ये सेंटीमीटर के अंदर है, तो मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻², ये क्यू डैश नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन लगा लेते हैं क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके साइन भी हमें काउंट करने पड़ेंगे, तो क्यू डैश 2 × 10⁻⁸ बाय में आर टू, ये हमारे पास 15 माइनस एक्स, और ये सेंटीमीटर के अंदर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि 10⁻², 10⁻⁸, 10⁻², 10⁻⁸, ये कॉमन आ जाएगा इसमें से और जीरो के नीचे जाएगा तो खत्म हो जाएगी क्वांटिटी, तो हमारे पास सिर्फ जो बचेगा वो होगा 3 बाय में एक्स, और यहां पर बचा है माइनस 2 बाय में 15 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अगर यहां से एलसीएम लेते हैं इसका, एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 माइनस 3x माइनस 2x इक्वल टू जीरो, ये नीचे वाली क्वांटिटी भी हमारी जीरो हो जाएगी, तो यहां से बचेगा ये माइनस 5x इक्वल टू माइनस 45, तो ये कैंसिल आउट, तो एक्स आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो ये जो पी पॉइंट है ये पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर होगा और इससे होगा 50 - 9 तो 6 सेंटीमीटर, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है इससे बाहर भी, इसके नजदीक ही आएगा तो बाहर भी एक पॉइंट चेक करना है। अगर हम ये बाहर एक पॉइंट मानते हैं पी पर, तो हम निकाल चुके हैं जो 9 सेंटीमीटर आया था, अब हम ये पॉइंट मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज से एक्स सेंटीमीटर, और जो नेगेटिव से है वो बच जाएगी एक्स, तो टोटल है एक्स में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस बच जाएगी हमारे पास, तो एक्स माइनस 15 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में। तो अब आर वन तो हमारा एक्स हो गया और आर टू हमारे पास एक्स माइनस 15 हो गया, और क्यू डैश ये तो दोनों सेम हमारे पास, तो ये भी इक्वल टू जीरो पुट करना है, जीरो शो करना है, जीरो कहां पर होगा वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, तो के तो जीरो जाएगी क्वांटिटी, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्यू बाय में आर वन, आर या आर वन यहां पर है एक्स सेंटीमीटर, तो एक्स इंटू 10⁻², मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने, चार्ज ये नेगेटिव है तो -2 × 10⁻⁸ बाय में आर टू है हमारे पास एक्स माइनस 15 × 10⁻², इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन आ जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्वांटिटी बचेगी यहां पर 3 बाय में एक्स माइनस 2 बाय में एक्स माइनस 15, तो एलसीएम आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 15, तो ये बचेगा हमारे पास 3x माइनस 45, ये बचेगा माइनस 2x इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमारे पास बचा 3x माइनस 2x एक्स आ गया, और ये 45 उस साइड में जाएगा तो इक्वल टू 45 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आया हमारा पॉजिटिव चार्ज से दूर 45 सेंटीमीटर दूर, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आएगी और इस चार्ज से दूर होगा ये 15, तो ये बचेगा 30 सेंटीमीटर,
तो ये हमें पॉइंट फाइंड आउट करना था, यही दो पॉइंट हो गए। इसके पास कोई पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि ये लार्जर मैग्नीट्यूड का है, और जो हमने पोटेंशियल जीरो निकालना है वो सिर्फ जो लेसर अमाउंट का होता है उसकी तरफ ही आ सकता है, इसके साइड नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें दो चार्ज दिए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी हुई है साइन, जैसे पॉजिटिव चार्ज से हमेशा एमिट होती है, तो ये हमें ड्रा करना है। एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के अंदर ये खत्म होती है यहां से शुरू और यहां पर खत्म, क्योंकि डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव के अंदर जाएगी। इसके अंदर दो दो पॉइंट भी दिए हुए हमें, इसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है पी और एक इससे दूर है वो है क्यू पॉइंट, और इसमें दिया हुआ है एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट बी, मतलब कि ए पॉइंट इसके नजदीक है और बी से थोड़ा दूर है, और इसमें पी पॉइंट इसके नजदीक है और क्यू थोड़ा दूर है। हमें एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और हमें पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, उसके लिए हम वर्णन करेंगे पोटेंशियल क्या आएगा वो चेक करते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो इसको लेके आने के लिए हमें जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसके अपोजिट में काम करना है, जैसे हमें इस साइड में लेके आना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस साइड, मतलब फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स वो तो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और हमें जो ये वर्डन करना है इसको लेके आने में वो इस साइड में, मतलब एग्जर्टिंग फोर्स जो हम एग्जर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके अंदर क्या होगा जब हम वर्डन करते हैं इसके ऊपर तो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आती है पॉजिटिव, क्योंकि ये हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में किया तो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हम यहां पर नेगेटिव चार्ज को लेके आए, ये मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स तो उसी डायरेक्शन में है, अब क्या होगा कि ये अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेगा, हमें क्या करना पड़ेगा इसको दूर लेके जाना पड़ेगा, दूर लेके जाने के लिए मतलब हमें जो फोर्स एग्जर्ट करना है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ है, तो वहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो होगा हमारा नेगेटिव। तो ये हमें साइन याद रखने दोनों पोटेंशियल के, क्योंकि अगर हम उसके अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं तो वो आएगा हमारे पास पॉजिटिव, और जो सेम डायरेक्शन में है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो यही हमें पॉइंट याद रखने यहां पर। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें पूछा हुआ है गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी क्यू और वीबी माइनस वी ए, ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि वी बी माइनस वी ए, चलिए देख लेते पहले वी ए ये नजदीक है इसके और ये हमें पता है कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ठीक है, और ये डिस्टेंस नजदीक है तो मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो हाइयर होगा, लेकिन साइन की वजह से ये वैल्यू लेसर बन जाएगी हमारी वी ए, ये नेगेटिव वैल्यू है और आर इसका छोटा है तो इसकी मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, वो बी वी बी 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 भी नेगेटिव आएगा लेकिन इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, हम मान लेते हैं कि ये आर वन है, आर वन के लिए वी ए वाला बन जाएगा और ये मान लेते हैं वी वन बाय आर टू, ये डिस्टेंस आर टू ज्यादा है, ठीक है, तो वी बी ये भी नेगेटिव वैल्यू हमारे पास, दोनों नेगेटिव वैल्यू है। अब यहां से देखते हैं, एक तो स्मॉलर जो वी है एक तो स्मॉलर आर वन से निकालते हैं, स्मॉलर आर वन मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो लार्जर बन जाएगा, और इसके अंदर लार्जर आर टू है मतलब नीचे लार्जर क्वांटिटी है तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो स्मॉलर आएगी, तो मतलब ये जो क्वांटिटी आई हमारे पास नेगेटिव के अंदर स्मॉलर है और ये नेगेटिव के अंदर लार्जर है, तो हमें पता है कि नेगेटिव साइन जितना बड़ा होगा वो क्वांटिटी उतनी छोटी होगी, तो ये क्वांटिटी इससे छोटी बन जाएगी वी बी माइनस वी ए, तो वी बी यहां पर लार्जर है और ये स्मॉलर है, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी हमारे पास। वी बी हमें क्या क्या आया, ये लेसर नेगेटिव आया, इसके ऊपर लिख लेते हैं हम, ये लेसर नेगेटिव है और ये मोर नेगेटिव,
तो जैसे हमें मैथ के अंदर हम निकालते हैं क्या, जैसे माइनस टू, माइनस वन, माइनस थ्री, तो इसमें माइनस वन लार्जर क्वांटिटी है ना कि माइनस थ्री। तो यहाँ पर वी बी की वैल्यू आई है वो मैग्नीट्यूड तो उसका स्मॉलर है लेकिन साइन नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड स्मॉलर और नेगेटिव साइन वो लार्जर वैल्यू होती है हमेशा। तो ये वी बी जो होगा हमारा वो वी बी ग्रेटर देन वी ए, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, यही हमें फाइंड आउट करना। एक और दिया हुआ है वी पी माइनस वी क्यू निकालना हमें, वी पी माइनस वी क्यू। तो यहां से देखते हैं पोटेंशियल का तो हमें पता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, मतलब आर जितना बड़ा होगा उतनी छोटी वैल्यू आएगी। तो ये हमें ये है पॉजिटिव चार्ज की वजह से था और ये था नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो नेगेटिव की वजह से तो पोटेंशियल नेगेटिव में आना, यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी दोनों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम निकालेंगे वीपी, ये स्मॉलर डिस्टेंस है तो वीपी तो हमारा आ जाएगा नीचे, अगर स्मॉलर वैल्यू होगी तो ऊपर लार्जर क्वांटिटी आएगी, तो ये तो हो गया लार्जर, ठीक है, और वैल्यू पॉजिटिव है। और वी क्या हम निकालते हैं, ये लार्जर डिस्टेंस है तो टोटल क्वांटिटी वो स्मॉल छोटी आएगी, तो हम लिख लेते हैं वी क्यू, वो भी आएगा तो पॉजिटिव में लेकिन लेसर होगा, स्मॉलर लिख लेते हैं हम, लेसर लिख लेते कोई भी नहीं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यहां से ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव में तो जो लार्जर है वही लार्जर होगा, तो यहां पर वी पी लार्जर है वी क्यू की वजह, तो वी पी ग्रेटर देन वी क्यू है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम वी पी माइनस वी क्यू, तो यह आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यही हमें बताना था कि इनका साइन क्या आएगा, अगर वी पी माइनस वी क्यू निकालते हैं और वी बी माइनस वी ए निकालते हैं तो दोनों पॉजिटिव साइन है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें यह कहा गया कि एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम पी और क्यू पॉइंट के बीच में लेके आते हैं और ए और बी पॉइंट के बीच में, मतलब यहां पर इस डिस्टेंस के अंदर लेके आते हैं, तो क्या होगा उनका पोटेंशियल उस चार्ज को लेके आने के लिए। तो अगर हम नेगेटिव साइन को लेके आएंगे तो क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने की वजह से हमें अभी निकाला था कि एक पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं वो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसको लेके जाने के लिए, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसमें उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारा, तो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज को हम यहां पर लेके आएंगे तो अट्रैक्ट होगा, तो यहां पर तो अगर हम पी से क्यू लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या ऊपर लेके जाने के लिए हाइयर होगी, तो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी या वी निकाल लेते हैं वो क्या पॉइंट पर हाइयर होगा, क्या लिख लेते हैं, ठीक है, और पी पॉइंट पर लेसर होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हम यहां से यहां लेके जाएंगे तो अपोजिट फोर्स में, और नेगेटिव क्वांटिटी है तो दूर लेके जाएंगे और नेगेटिव वैल्यू के अंदर आएंगे, और ये अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो इसके अंदर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा हमें क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है इस तरफ में, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी यहां पर कम होगी, तो वीपी ग्रेटर देन ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या ऊपर और पोटेंशियल एनर्जी पी पर, तो क्या ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पी से हाइयर आएगी यहां पर। अगर हम इसी नेगेटिव चार्ज को यहां पर लेके आते हैं तो यहां पर तो ये रिपेल होंगे, रिपेल होंगे तो मतलब यहां पर लेके आने के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, यहां तो क्या था एक तो अट्रैक्ट हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा था, हमें दूर लेके जाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ रही थी, तो यहां पर क्या ऊपर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पर क्या है ये रिपेल कर रहा है तो हमें इसकी तरफ लेके जाना है, तो ये ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि हमें जहां तक वर्टन अगर डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो यहां पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इसके अंदर क्या ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन था और यहां पर रिपल्शन था, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी यहां पर ये ए पर ज्यादा है बी से, और यहां पर क्या ऊपर ज्यादा थी पी से क्योंकि हमें यहां से दूर लेके जाना था वो, तो हमें ज्यादा बर्डन करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी हमारी, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा थी इसके अंदर और इसके अंदर यहां पर एनर्जी ज्यादा है, तो हमें यही बताना था कि किसकी किस पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा होगी अगर एक नेगेटिव चार्ज को लेके आते तो यहां पर क्या होगी होगी और यहां पर ए पे होगी, तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी इन दोनों का मैग्नीट्यूड कर लेते हैं सी और डी के अंदर। सी पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज के नजदीक लेके आएंगे और डी पार्ट के अंदर हमें दिया कि नेगेटिव चार्ज को हम लेके आएंगे। तो इस सी पार्ट में हमें पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्णन क्या आएगा और इसके अंदर हमें पूछा हुआ है तो एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से वर्णन क्या आएगा। जैसे हम इस चार्ज को यहां पर लेके आएंगे इसके पास तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे
तो उसकी वजह से हमारा टेंशन हमने मान लिया पॉजिटिव आया हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, नेगेटिव मान लिया है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम फोर्स इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव आएगा। और डी पार्ट में हमें निकालना है एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से क्या आएगा, तो एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से क्या होगा, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट है, तो जो हम लगा रहे हैं वो तो पॉजिटिव मान लिया हमने और जो अपोजिट था इसमें वो नेगेटिव मान लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से बर्डन निकालना है और रिपेलिंग फोर्स है तो वो तो आएगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालना है वो आएगा नेगेटिव, क्योंकि वो एक्सटर्नल के अपोजिट में है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। तो यही था इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर हमें ये बताना कि एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो अगर हम यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो इसको लेके जाने में हमें बर्डन करना पड़ेगा, और यहाँ पर कम बर्डन, यहाँ पर इससे भी ज्यादा बर्डन है, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ तक जाने में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर बी से ए जाएगा ये तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये फोर्स, ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ये हमारे पास v डिक्रीज। अगर v डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है 1/2 mv2। अगर v डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्टली इसके स्केयर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो यही बताना था कि अगर एक नेगेटिव चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके जाएंगे हम तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, तो हमें ये बताना कि वो डिक्रीज होगी। यही था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।